कि बारिश लगी, अभी तक गाड़ी क्लीन नहीं की है मैंने, टाइम नहीं मिला। ये देखिए बिल्कुल निकल रहा है यहाँ से, ये देखिए बाइक का भी एक बार दिखा था। अब देखिए यहाँ पे बर्ड ड्रॉपिंग है थोड़ा सा, ये निकल देखते अभी निकलता है या नहीं। व्हील्स क्लीन करने को स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में और वीडियो के टाइटल में देखा होगा, आज हम रिव्यू करने वाले इस 12 वोल्ट कार वॉशर का, 12 वोल्ट का जो कार वॉशर है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर मैं बताता हूँ इसके साथ क्या क्या आता है। ये जो 12 वोल्ट का जो कार वॉशर है, ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। अप्रॉक्स 2000 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। और इसके साथ आपको मिलता है ये हैंडल, जो कि प्रेशर हैंडल भी बोल सकते हैं इसको, प्रेशर वॉशर। इसमें आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से ये चेंज होता है, जैसे आप टर्न करोगे तो ये मोड चेंज करेगा। और ये एक पाइप आता है इसके साथ, अप्रॉक्स 5 मीटर लेंथ है। कार अगर आपको वॉश करनी है तो ये पूरा कार आपका कवर करेगा 5 मीटर की। और इसके साथ और एक आता है चीज़, मैं बताता हूँ आपको, ये एक ब्रश आता है जिससे आप आपकी गाड़ी के रिम्स या फिर टायर जो है इसे क्लीन कर सकते हो। सॉफ्ट मटेरियल है ये बिल्कुल भी। और ये जस्ट यहाँ पे ये इसका कनेक्टर है, तो ये आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे अंदर थ्रेडिंग दिया हुआ है। और ये जो है कनेक्टर, इससे आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। और ये जो अदर साइड है, ये आपका इसमें लग जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी सेटअप कर दिया है, इसे पाइप आता है इसके साथ, ये कनेक्टर वगैरह आता है। पर इसको कस के फिक्स कर देना है पाइप को, ताकि ये निकले ना। फिर इसको टाइट कर देना, ये ऐसे भी निकल सकता है देखिए। और इसको आप ऐसे फिर कट कर से, तो ये फिक्स हो गया, लॉक हो गया बिल्कुल। और जो अदर पॉइंट है इसका, तो इसमें जो है पावर ऑन ऑफ का एक बटन आता है यहाँ पर, और यहाँ पे एक वायर आता है जो आपकी कार के 12 वोल्ट सिगरेट लाइटर में कनेक्ट होगा। ये भी मैं नीचे डेमो दूंगा आपको कि कैसे ये काम करेगा। और यहाँ पे जो है इसका कनेक्टर आपको फिक्स करना है, यहाँ पर भी फिक्स करोगे तो आवाज़ आएगा कट, जैसे फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर भी आप लगाओगे तो कट करके आवाज़ आएगा, तो ये लॉक हो गया। यहाँ पे ये वाटरप्रूफ ही है ऑलमोस्ट, बहुत बार लग चुका है अभी तक, तो कोई दिक्कत तो नहीं आई मुझे। कैपेसिटी का भी हम लोग टेस्ट करते हैं कि इसमें कितना पानी आता है। यहाँ पे एक छोटा सा फिल्टर दिया हुआ है, जिससे कि कचरा वगैरह जो अंदर जो फंसता है, ये पाइप से होके आपके यहाँ पे लॉक नहीं होगा, या फिर यहाँ पे जम नहीं जाएगा अंदर की तरफ। यहाँ पे इसका मोटर है, ये वाटरप्रूफ मोटर है, 12 वोल्ट मोटर है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो काफ़ी हेवी है। एक बार मैं अभी इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, और देखिए अगर मैं इसके ऊपर खड़ा भी होता हूँ तो भी ये टूटेगा नहीं। इसके ऊपर अभी पूरा खड़ा हो गया, पूरा खड़ा होने के बाद भी ये टूटेगा नहीं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है। और मैं भी ये बता देता हूँ कि किसको लेना चाहिए। देखिए इससे कुछ प्रेशर उतना तो नहीं आएगा, क्योंकि 12 वोल्ट मोटर है इसमें, 12 वोल्ट तो उतना प्रेशर तो नहीं बनेगा। लेकिन एक नॉर्मल, अगर आपकी गाड़ी गंदी हो गई है तो आप नॉर्मल वॉश कर सकते हो, ये पानी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है। किनको लेना चाहिए, जिनके यहाँ पे जैसे सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं, पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, एक बकेट इसमें अप्रॉक्स 20 लीटर पानी आ जाता है, तो वो लोग ले सकते हैं। ज़्यादा गाड़ी आपकी गंदी नहीं हुई है तो नॉर्मल वॉश करने के लिए काम में आएगा आपको। अभी मैं नीचे जाएंगे हम लोग, तो उसका डेमो दिखाई देता हूँ कि कैसे क्लीन करता है। 2 व्हीलर भी हम लोग वॉश करके ट्राई करेंगे, और 4 व्हीलर भी वॉश करके एक बार देखेंगे। तो चलिए फिर इसमें कितना पानी बैठता है अभी देखते हैं हम लोग। तो अभी पानी ऑलमोस्ट
भर रहा है इसमें और फुल होने को आए, तो अभी इतना हम लोग बंद करते हैं। अप्रॉक्स 15 या 20 लीटर्स का 15 लीटर का बकेट है, इसको मैंने पूरा भी नहीं भरा है, इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ और देखते हैं अभी कितना पानी इसमें आ रहा है। तो 12 या 15 लीटर के अप्रॉक्स अभी ये फुल हो गए। देखिए इतने में आपकी दो टू व्हीलर्स वॉश करके हो जाएंगी और एक फोर व्हीलर आप आराम से वॉश कर सकते हो इतने पानी में। तो ये देखिए फिर भी बकेट में अभी थोड़ा पानी बाकी है, तो ये शायद 12 या 13 लीटर के आसपास बैठा होगा इसमें। तो अभी इसका वेट भी करते हैं ये फुल भरने के बाद कितना होता है। थोड़ा सा पानी लीक होगा इसमें, आप लेते जाते वक्त आपको संभाल के लेके जाना होगा, क्योंकि ये अगर यहाँ पे इसका लॉक है या आप टाइट भी कर देते हो बिल्कुल, यहाँ पे हैंडल है, टाइट हो गया है ये बिल्कुल, लॉक हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा पानी इसमें से गिरेगा, ये देखिए पानी गिर रहा है थोड़ा सा बाजू में, तो संभाल के लेके जाना होगा थोड़ा सा। देखते हैं अगर इसका वेट हो पाता है या नहीं। चलिए अभी सील डाल दिए इसमें, ब्राउन करके देखते हैं, ज़ीरो हो गया। और अभी देखते हैं इसका वेट कितना आता है एक्चुअली। सत्रह अठारह किलो के आसपास आ रहा है, 18 किलो के आसपास। फिर नीचे जाते हैं एक बार वॉश कर लेते हैं गाड़ी और देखते हैं फिर कितना इसमें वॉश कर पाते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने बताया था उसे कार वॉशर को कनेक्ट करने के लिए उसका कनेक्टर है, यहाँ पे एक रेड लाइट है और ये अदर साइड में जाएगा। तो ये जो आपका जहाँ पे भी 12 वोल्ट का पावर सॉकेट होगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे है, ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको इसको प्लग इन करना है। ओके, तो ये यहाँ पे प्लग इन करना है आपको, और जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे तो उसका लाइट जो है वो जल जाएगा। देखते अभी जला है या नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। इग्निशन एक बार ऑन कर देते हैं, तो ये देखिए लाइट लग रहा है इसका। अभी दिख रहा होगा आपको सही से, तो इग्निशन हो गया है ऑन। इसकी साइज है अप्रोक्स, वायर की साइज है 2 मीटर लेंथ है इसका अप्रोक्स। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको गाड़ी के बाहर निकालेंगे हम लोग यहाँ से और उसे कनेक्शन देंगे वहाँ पे। गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई है मेरी, ये कार वॉशर से तो होगी नहीं, मुझे इसे बाहर ही लेकर जाना पड़ेगा। फिर भी आपको एक बार मैं डेमो दिखा देता हूँ। देखिए इसको पहले ऑन करने से पहले तो यहाँ पे इसका जो पावर बटन है ये ऑफ़ रखना होगा, ठीक है, ऑफ रखिए, इसको यहाँ पर लगा दीजिए और फिर पानी आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग पाइप कनेक्ट कर देते हैं। ये जो है अभी हम लोग पाइप कनेक्ट कर रहे हैं इसको, और अभी इसको प्रेशर बिल्ड होने देना है। देख 10-15 सेकंड लगेगा इसको प्रेशर बिल्ड होने के लिए। जैसे अभी मैं ऑन करता हूँ, ये ऐसा आवाज आएगा, तो इसका प्रेशर बिल्ड हो गया है। चेक करते हैं अभी आ रहा है या नहीं इसमें से प्रेशर, आ रहा है, प्रेशर तो आ रहा है काफ़ी अच्छे से आ रहा है। तो पहले मैं बाइक में यहाँ पे थोड़ी सी धूल मिट्टी लगी यहाँ पे मार के दिखा था आपको, काफ़ी अच्छा प्रेशर है।
अब एक बार कार ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी धूल और गंदगी जमा हो चुकी है, देख पा रहे हो नहीं पता नहीं। अभी यहाँ पे हम लोग प्रेशर वॉश करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये लोगो हो गया। ये जो काफ़ी सख्त मिट्टी जो है ये सूख चुकी है अभी, तो इससे तो निकलना मुश्किल है। अगर आपको जनरली वॉश करना है तो ये आप इसे यूज़ कर सकते हो, गाड़ी गीली हो जाएगी आपकी, तो फिर एक थोड़े टाइम बाद आपको फिर से इसको पानी भर के, एक बार गीली होने के बाद आपको रब करना होगा सोप से। इसमें डिटर्जेंट भी मिक्स कर सकते हो आप, डिटर्जेंट इन द सेंस शैम्पू मिक्स कर सकते हो, कोई भी शैम्पू इसमें मिक्स कर दीजिए, उस बकेट में डाल दीजिए, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये सोप ही इसके जैसा, सोप जैसा ही आपका फोम बन के थोड़ा बहुत आ जाएगा, 100% तो फोम नहीं आएगा लेकिन नॉर्मल है। जैसे अभी ये गाड़ी पे भी हम लोग ट्राई करते हैं, यहाँ पे भी देखिए धूल मिट्टी है। ये हो गया। ये मेरे बाइक पे क्यों वर्क कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिरेमिक कोटिंग किया हुआ है दोनों गाड़ियों को, जैसे कि मेरी ये भी गाड़ी है और ये भी एक गाड़ी है, दोनों को सिरेमिक कोटिंग किया है। तो इसके ऊपर पानी या फिर मिट्टी जो भी होगी, एक ही बार में अगर ये थोड़ा सा भी प्रेशर देंगे हम लोग, तो ये पानी मिट्टी बिल्कुल भी इसका क्लीन हो जाएगा। सिरेमिक कोटिंग अगर कर सकते हो आप आपकी गाड़ियों पर तो ज़रूर करवा लीजिए, कार को नहीं किया मैंने अभी तक, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये क्लीन नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से। सिरेमिक कोटिंग करते हो तो काफ़ी यूज़फुल है ये भी आपके काम में आएगा। सिरेमिक कोटिंग काफ़ी लोग करके देखते हैं बाहर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वेरियस पैकेजेस रहते हैं, तो सिरेमिक कोटिंग करवा लीजिए। इसको ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए मुझे सिरेमिक कोटिंग करके, ये अभी तक बिल्कुल पानी नहीं रोकेगा, धूल मिट्टी एकदम से क्लियर हो जाएगी। और ये गाड़ी पर भी मैंने सिरेमिक कोटिंग किया था, तो यहाँ पर भी देखिए पानी बिल्कुल टिकेगा नहीं, तो ये क्लीन भी हो जाएगा, धूल मिट्टी एकदम फटाफट से इसका निकल जाता है। प्रेशर ठीक ठाक ही है। एक बार अभी हम लोग व्हील्स पे मार के देखते हैं कितना डिस्टेंस है। देखिए निकल रहा है, सिर्फ गीला हो रहा है। जितना दूर से मारोगे आप और जितना पास से मारोगे उतना वो, देखिए अभी लोगों का थोड़ा बहुत तो निकल रहा है लेकिन 100% नहीं, थोड़ी सी ऊपर की लेयर निकल रही है, मिट्टी निकल रही है थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं कि पूरा 100% यूज़फुल नहीं है, थोड़ा बहुत तो ज़रूर काम में आएगा लेकिन पानी ज़्यादा लगेगा आपको इसमें। देखिए अभी निकल रहा है, यहाँ पर भी काफ़ी मिट्टी, यहाँ पर ट्राई करते हैं। ऊपर की मिट्टी तो निकल रही है, एक बार गीला हो जाएगा तो शायद से मेरे ख्याल से पूरा निकल जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर भी मिट्टी, प्रेशर तो है, काफ़ी प्रेशर है। 2 साल हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। एक बार यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पर देखिए कितनी मिट्टी जमा हुई है, काफ़ी बारिश थी। मैं नागपुर गया था अभी रिसेंटली, आपने देखा होगा माइलेज का वीडियो कि नागपुर जाते वक्त की बारिश लगी, अभी तक गाड़ी क्लीन नहीं की है मैंने, टाइम नहीं मिला। ये देखिए बिल्कुल निकल रहा है यहाँ से, ये देखिए पूरा हट रहा है, प्रेशर देखिए इसका। घर के यूज़ के लिए या फिर ऐसे वीक में एक बार गाड़ी धोने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, 2000 रुपीज़ का ही आता है, 2 साल हो गए मुझे अभी तक यूज़ करते हुए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, बंद नहीं पड़ा या फिर प्रेशर कम नहीं हुआ। आप अच्छे से यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करो, अच्छे से रखो, प्रॉपर उसको क्लीनिंग वगैरह रखो, हो जाएगा वो, अच्छे से टिक जाएगा आपका। ये ऑलमोस्ट तो निकल ही गया है यहाँ से अभी, ये टेम्पो वाले भी ना इतना ज़ोर से आवाज़ आ रहा है।
ऑलमोस्ट गंदगी निकल चुकी है। बाइक का भी एक बार दिखा तो आप देखिए यहाँ पे बर्ड ड्रॉपिंग है थोड़ा सा, ये निकल देखते हैं अभी निकलता ही नहीं। बर्ड ड्रॉपिंग भी निकल गया बिल्कुल भी, प्रेशर तो काफ़ी है सर। देखिए बाइक तो दो आपके आराम से वॉश हो जाएंगे, जैसे कि मैंने बोला सिरेमिक कोटिंग है इसमें तो ये फटाफट क्लीन हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। सिरेमिक कोटिंग जो है ऐसी चीज़ों को चिपकने नहीं देता है सरफेस के ऊपर, पेंट पेंट के सरफेस के ऊपर, तो क्लीनिंग करने में आपको इजी होता है। देखिए पूरा क्लीन हो गया क्योंकि सिरेमिक कोटिंग है। ये देखिए मिट्टी एकदम से आराम से इसके ऊपर चिपकता नहीं है, बिल्कुल निकल जा रहा है। एक बार सिर्फ नॉर्मल प्रेशर भी जा रहा है इसके ऊपर तो मिट्टी पूरा नीचे जा रहा है। अब एक बार मैं आपको वाइप कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। वाइप का भी एक मैंने क्लोथ परचेस किया था वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, उसका क्या यूज़ है, आपकी गाड़ी पे स्क्रैचेस कम आएंगे उसके लिए, उसकी वजह से तो मैं अभी बताता हूँ। वीडियो तो आपने देख लिया, यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये नहीं निकल रही क्योंकि देखिए सिरेमिक कोटिंग नहीं है इसके ऊपर, ड्रॉपिंग वैसी है। मेक श्योर आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज हो, अगर आप इसको कार में लगा रहे हो तो बैटरी चार्ज होनी चाहिए, नहीं तो आप इसे यूज़ करते रहोगे वहाँ पे बैटरी डाउन हो जाएगी। टू व्हीलर के लिए ले रहे हो तो जैसे अभी ये मेरे एक्सेस हैं इसके यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 12 वोल्ट का वो पावर सॉकेट आप लगा के ले सकते हो। जो गाड़ी के लिए आता है फोर व्हीलर के लिए वैसे 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हो। 600 रुपीज़ कुछ तो उसका चार्जेस है, अदर गाड़ियों के लिए मुझे नहीं पता है। जैसे वेस्पा है मेरी तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, एक्सेस में है। अगर आपकी गाड़ी में ऐसा ऑप्शन है तो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट लगवा लीजिए, मोस्ट ऑफ द लोगों के सीट के नीचे भी रहता है जो बहुत सारी कंपनियां अभी प्रोवाइड कर रही हैं, तो यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे यूज़ करके भी आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो। अगर कार के लिए ले रहे हो तो गाड़ी ज़्यादा गंदी नहीं होगी कीचड़ मिट्टी से, तो डेफिनेटली क्लीन कर देगा पूरा ये। तो चलिए फिर अभी मैं वाइप करने का वीडियो दिखाता हूँ एक बार। तो अगर ये आप प्रेशर वॉशर ले रहे हो मतलब 12 वोल्ट वॉशर ले रहे हो तो आप इसे गार्डनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कहीं बाहर भी लेके जा सकते हो, कहीं पे ऑलमोस्ट कभी पानी नहीं होता है कुछ नहीं होता है तो गाड़ी में कैरी करने के लिए बिल्कुल एकदम आसान सा है, कहीं पर भी ले जा सकते हो। खुद को क्लीन करना है तो भी इसे यूज़ कर सकते हो, उतना प्रेशर नहीं है, तो मल्टीपर्पज़ काम के लिए आ सकता है, डिपेंड करता है आपको कैसे यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार या फिर बाइक ही वॉश करना है आपको। तो और एक चीज़ चलो मैं आपको दिखाता हूँ वाइप करने के रिगार्डिंग, ये है सिंथेटिकल शैमियोस जो है वाइप करने के लिए क्लॉथ है ये। तो बेसिकली ये क्या करता है, थोड़ा डोर बंद कर लेता हूँ मैं, विंड काफ़ी है तो वॉइस में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है, तो मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूँ, सॉरी ये प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली क्या करता है, ये ऐसा रहता है, इसके ऊपर डॉट डॉट डॉट्स बने हुए। तो ये क्या करता है, जैसे ही कोई वेट सरफेस होगा इसे आप वाइप करोगे तो ये पानी खींच लेगा, तो उससे क्या होगा आपकी गाड़ी जल्दी क्लीन होगी, इससे गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं आते। आप जैसे कोई भी घर का बनियान का कपड़ा वगैरह यूज़ मत कीजिए गाड़ी के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा आप टेम्परली घर का कोई भी कपड़ा फाड़ दोगे और गाड़ी पोछोगे तो उससे गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस आना शुरू हो जाएंगे और एक थोड़े टाइम में वो उसका डलनेस भी आना शुरू हो जाएगा। रिकमेंडेड है माइक्रोफाइबर क्लोथ जैसे रहते हैं, अमेजोन पे मिलते हैं, ये भी वाइप कर लीजिए, फिर आपको उसके बाद भी वाइप करना है ड्राई वाइप तो इससे कीजिए। अंदर का भी कोई इंटीरियर का पार्ट जैसे ये स्क्रीन हो गया, ये हो गया, ये भी आपको करना है तो इससे कर लीजिए एक बार थोड़ा सा, और इसके बाद एक बार नॉर्मल वाइप कर लीजिए, तो ये क्या होगा स्क्रैचेस नहीं आएंगे इसके ऊपर। तो ये जो है ये अप्रॉक्स 250 का कुछ मिलता है, तो इसे वेट क्लॉथ भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं वाटर ऑब्जर्विंग क्लॉथ भी बोल सकते हैं हम लोग इसे। इससे सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, किसी भी एक्सेसरी शॉप में भी आपको मिल जाएगा। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता है ये। तो देखिए अभी हम लोग ने गाड़ी क्लीन किया था, यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है, पहले इसको वेट कर लेना है थोड़ा सा घर के पानी से, इसको निचोड़ दीजिए एक बार, ऐसे निचोड़ देंगे पानी इसका पूरा निकलना जाएगा जो इसमें एक्सेस पानी है वो। अभी जैसे थोड़ा सा गीला है थोड़ा सा सूखा है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे अभी वाइप करेंगे। तो देखिए बिल्कुल एक झटके में इतना पानी है, सब हो गया वाइप। जैसे अभी ये क्रोम की जगह है ये भी वाइप हो गए, थोड़ा विंड चालू है यहाँ पे तो विंड नॉइज़ आ सकता है वीडियो में, उसके लिए
माफ़ी चाहूँगा मैं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, आउटडोर कर रहा होता हूँ। ये देखिए अभी ऐसे यहाँ पे हो गया, ये हो गया यहाँ पे, ये भी क्रोम का पार्ट है। एक दो बार वॉश कर दोगे, एक बार वाइप कर दोगे आप दो बार, जैसे अभी पानी खींच लिया है यहाँ पे। सिरेमिक कोटिंग का भी ये बेनिफिट है, पानी इस पर टिकेगा नहीं। एक बार आप इसको निचोड़ लीजिए फिर से, और एक बार फिर से वाइप कर दीजिए, देखिए बिल्कुल चकाचक, और एक ग्लॉसी सा फिनिश भी आएगा इसके ऊपर वाइप करने की वजह से। फ्रंट हो गया, अभी कंसोल दिखाता हूँ, बिल्कुल एक झटके में गायब। फ्रंट का दिखाता हूँ आपको, इससे वाइप कीजिए, एक लाइन में सीधे आपको लेना है ऐसे, सिर्फ ऊपर से था नीचे तक खींचिए, ऊपर से नीचे खींचिए, ऐसे 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 करोगे तो क्लीन नहीं होगा। सिंपल, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे। इतनी गाड़ी आती है हमारी सोसाइटी में, और इतना विंड नॉइज़ है कि बता नहीं सकते, लेकिन चलो कोई ठीक है, अभी फ़िलहाल तो कुछ ऑप्शन नहीं है। ये ऐसे खींचोगे एक बार, हो गया, एक ही डायरेक्शन में कोई तो भी खींचे, ऐसे खींचे एक डायरेक्शन में, देखिए बिल्कुल डिफरेंस दिखेगा आपको। अभी ये विंड स्क्रीन हो गया, देखिए हो गया। गाड़ी क्लीन करते वक्त भी आपको जैसे वाइप करना है आपका वॉश, अगर घर पे कर रहे हो तो ये जो पार्ट्स है ये पहले आप क्लीन करवा लीजिए। ये वाले पार्ट्स हो गए, लाइट हो गया, आपका क्रोम हो गया, आपके ग्लासेस हो गए, इससे पहले वाइप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत गंदगी तो आपको क्लीन करने के बाद थोड़ी बहुत तो ही रहती है, तो फिर ये ग्लास पे आपकी दिक्कत आ जाएगी। तो पहले ग्लासेस क्लीन करवा लीजिए सारे, ये मिरर्स जैसे हो गए, उसके बाद क्रोम पार्ट्स करवा लीजिए। क्रोम पार्ट्स जो है जैसे कि ये हेडलाइट्स हो गए, क्रोम हो गया, उसके बाद आप कलर पे आइए, फिर ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आप कलर पार्ट्स वाइप कीजिए, तो बिल्कुल गाड़ी आपकी एकदम क्लीन और चकाचक हो जाएगी। अंदर की तरफ भी आपको कोई मार्क्स नहीं दिखेंगे, ग्लास भी एकदम कंप्लीट क्लीन हो जाएगा। देखिए अभी ये मैंने क्लीन किया था अभी कुछ टाइम पहले, ये हो गया क्रोम, और थोड़ी बहुत भी धूल होगी ना ये इसके ऊपर अब्सॉर्ब कर लेगी। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ी बहुत भी मिट्टी होगी। सीट भी हम लोग ने क्लीन कर दिया, एक बार इसको वॉश कर लीजिए, चाहिए आपको लगता है इसके ऊपर गंदगी लगी है वॉश कर लीजिए, घर पर जाने के बाद इसको सोप से वॉश कर दीजिए तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आपका इसे यूज़ हो जाएगा तो इसको सूखने के लिए रखना है, ये बिल्कुल जिस पोजीशन में आपने रखा है वैसे एकदम कड़क हो जाएगा कपड़ा सूखने के बाद, तो उसको बेटर है उसको फोल्ड करके ही सूखने के लिए रख दीजिए। जैसे सूख जाएगा उसको आप वापस डब्बे में रख दीजिए, जब भी चाहिए फिर से गीला कर लीजिए। गीला ही रखोगे तो इसके ऊपर फंगस आना शुरू हो जाएगा, ये देखिए मेरे से ये गलती हो गई थी, फंगस आता है, तो इसको गीला डब्बे के अंदर मत रखिए, हो सके उतना सूखा कर लीजिए और ड्राई होने के बाद ही इसको फोल्ड करके डब्बे में रख दीजिए। मेरे पास और एक कपड़ा है, ये ऑलमोस्ट मुझे 8 साल चला था, ये अभी मैंने 2 साल पहले लिया है, फिर भी देखिए कंडीशन इसकी कैसी है। मैं हर बार गाड़ी वॉश करता हूँ घर पर ही, मोस्ट ऑफ द टाइम घर पर ही वॉश करता हूँ। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, या फिर आपको उससे कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ऊपर आईडी आ रहा होगा, उस पे ऊपर जाइए फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को बताइए, और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो आप या फिर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट करना रहेगा वो भी बता दीजिए, वो भी हम लोग ट्राई करेंगे इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और कुछ आपको और कौन से वीडियो चाहिए उसके रिगार्डिंग, या फिर और कुछ रहेगा तो चलिए फिर, तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।